लग किसानों की जमीन समतलीकरण करने के बहाने तहसील टीम बताकर धोखाधड़ीदार गिरफ्तार। एंकर। उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के थानाबाग क्षेत्र में किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक गैंग सक्रिय था। अपने आप को तहसील की टीम बताकर डरा धमका कर धोखाधड़ी कर किसानों से रुपए ऐंठने का कार्य गैंग द्वारा किया जा रहा था, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश कर धोखाधड़ी करने वाले चार सदस्यों को गिरफ्तार कर ठगी हुए रुपए बरामद कर कार्रवाई कर जेल भेज दिया। बता दें, थाना भ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बड़ा गांव में रिटायर अध्यापक वीरेंद्र कुमार पुत्र गुरुवार नारायण निवासी बड़ा गांव बाह पिछले माह अपने खेत की ट्रैक्टर से समतलीकरण करा रहे उसी वक्त चार सदस्य गाड़ी से पहुंचे और अपने आप को राजस्व विभाग तहसील की टीम बताकर समतलीकरण के जरूरी कागजात मांगने लगे। राजस्व हानि का हवाला देकर कार्रवाई की धमकी देने लगे। कार्रवाई ना हो इसके लिए किसान से धोखाधड़ी करने वाले युवकों ने 1,55,000 रुपए ठग ले गए। जब पीड़ित किसान को घर पहुंचकर पता चला कि तहसील से कोई टीम यहां नहीं आई है, साथ ही खेती समतलीकरण के लिए भी ऐसा कोई आदेश नहीं है, अपने साथ हुई ठगी को लेकर किसान दंग रह गया। पीड़ित किसान ने घटना के संबंध में पुलिस को अवगत कराया, तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, जिस पर थाना पुलिस ने अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धोखाधड़ी करने वाले गैंग को लेकर पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तारी हेतु सूचना संकलनों के माध्यम से लगातार सुरागरसी की जा रही थी, लेकिन शातिर होने के कारण प्रकाश में नहीं आ रहे थे, जिससे पुलिस टीम को काफी चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस टीम के द्वारा लगातार प्रयासों के आधार पर शनिवार को थाना क्षेत्र में उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश अनुसार अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए वाहन चेकिंग अभियान एवं व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चौरंगा हार चौराहे के पास थाना पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना में गए 1,55,000 में से 1,20,000 नगद पुलिस द्वारा बरामद किए गए। पकड़े गए धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों से पुलिस पूछताछ में अपना नाम अनीश पुत्र मोहम्मद रुस्तम निवासी ग्राम मुंशी नगला थाना धनाहार मैनपुरी, आसिफ पुत्र मास्टर खान निवासी ग्राम मुंशी नगला धनाहार, अली मोहम्मद पुत्र मोहम्मद इस्लाम निवासी मलखानपुर थाना शिकुहाबाद बताया है। पुलिस और साइबर सेल संयुक्त टीम को कामयाबी मिली। घटना की जानकारी के संबंध में एसपी पूर्वी प्रमोद कुमार ने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घटना का खुलासा करते हुए कहा, प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि अपराधियों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और गिरफ्तार कर जेल भेजा रहा है। आगे भी पुलिस की कार्यवाही अपराधियों पर जारी रहेगी। बाइट प्रमोद कुमार, एसपी पूर्वी। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत बुलंद खबर। नीरज धनगर की रिपोर्ट। थाना बाहर क्षेत्र में ये 30 तारीख की घटना हुई थी। एक रिटायर अध्यापक श्री वीरेंद्र कुमार जी थे, उनके साथ में एक ठगी का प्रकरण सामने आया था। श्री वीरेंद्र कुमार हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने आए थे। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उनके साथ इस तरीके से ठगी हो गई थी। जो ठगी करने वाले लोग थे, उन्होंने इनके द्वारा खेत पर अपना समतलीकरण कराया जा रहा था, तो उन्होंने बताया कि हम खनन विभाग से हैं और आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं और इसका आपका जुर्माना लगभग 10 लाख लग रहा है। तो उनसे इन्होंने लगभग 1.5 लाख रुपए ब्लैक मनी या करप्शन कह लीजिए उसके तौर पे ले लिया और वो पैसे लेके चले गए। जब ये एप्लीकेशन एसएसपी सर के सामने प्रस्तुत हुई, सर ने 2 टीमें लगाई, वहाँ के क्षेत्राधिकारी बा, क्षेत्राधिकारी पिनाहट, लोकल थाना स्तर की टीमें लगी, वहाँ के कई लोगों से बातचीत की गई, वहाँ के कैमरे दिखाए गए और हमने सर्विलांस की हेल्प ली। उसी प्रकार से कुछ लोग जो उसमें निकल के आए थे, आज सुबह चेकिंग के दौरान ये दोबारा उस तरह की घटना करने आ रहे थे, इनको पकड़ा गया है, इनसे पूछताछ की गई, वादी को बुलाया गया, वादी ने भी इन लोगों को पहचाना है और इनके पास से लगभग 1,20,000 रुपये बरामद भी हुए हैं। इनका एक साथी फरार है, हम लोग उसको जल्दी पकड़ेंगे और बाकी जो पैसे भी बरामद भी कराएंगे। प्रोफाइल सर क्या, किस तरह के लोग हैं ये, क्या पेशेवर ठग हैं या फिर क्या? देखिए, जो अभी तक पूछताछ में निकल के आया है, ये लोग और भी कई जगहों पे इन्होंने इस तरह के काम किए हैं। हम लोग इन लोगों की फोटोज आसपास के थाना क्षेत्रों में भेजेंगे और जो भी इस 420 टाइप की घटनाएं हुई होंगी उस तरीके का ट्रेस करवाएंगे और देखेंगे कि वहां के वादी से बात हो सके तो उनकी पहचान करवा के ऐसे मुकदमे भी खोले जाएंगे। माना जाए कि लोग नकली। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत बुलंद खबर।